यहाँ पर हमारे पास एक सिचुएशन है कि हम टेस्ट इन्फो, ये इन्फो नाम से जो है एक क्लास बनाई हुई है, और यूज़र जो है एक यूज़र कंट्रोल हमने दिया है, वो ये रहा टेस्ट इन्फो डॉट जेमल से ये। तो इसके अंदर ये वैल्यूज़ यहाँ पर एंट्री करता है यूज़र यहाँ पर, और तो वो एक तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई, और दूसरी प्रॉपर्टीज़ ये भी हैं, और ऐसी कितनी ही प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी, जो मोर देन दिस दीज प्रॉपर्टीज़, इन प्रॉपर्टीज से ज़्यादा ये प्रॉपर्टीज़ हैं। तो जब हम इसको हमारा हम ट्राई ये कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं जो यूज़र एंट्री करता है उसको हम एज ए क्लास सेव करें, और एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम एक फंक्शन है जिसके थ्रू हम उसको सेव कर सकें हार्ड डिस्क में या ऐसे। वो फंक्शन इस तरह कैसे है कि ऐप डाटा रीड राइट, और यहाँ पर हम जो है कि इंफॉर्मेशन जो सेव करनी है वो डाल देते हैं इन्फो। तो ये इन्फो हम एज ए क्लास पास कर देते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास पास करते हैं, और वो सेव हो जाना चाहिए, ये हमारी डिज़ायर है। और लेकिन क्योंकि ये भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज आती हैं, तो हम उसको किस तरीके से सेव कर सकते हैं, तो उसके लिए हम इंटरफेस का यूज़ करेंगे। तो ये इंटरफेस जो है यहाँ पर देखेंगे हम टेस्ट इन्फो आई टेस्ट इन्फो इंटरफेस है, और ये यहाँ पर इनहेरिट कर रहा है ये टेस्ट इन्फो जो जो ये हमारा यूज़र इंटरफेस है, ये इस इनहेरिट कर रहा है यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। और इसी तरीके से जो हमने इन्फो नाम से एक क्लास है, ये भी आई टेस्ट इन्फो को इनहेरिट कर रहा है। मतलब कि हमारे पास दो क्लासेस हो गई जो आई टेस्ट इन्फो से इनहेरिट कर रही है। एक तो ये है जिसकी प्रॉपर्टीज़ इन्फो में एग्जैक्टली सेम है, और सेकंड जो है हमारा यूज़र कंट्रोल है टेस्ट इन्फो, उसमें भी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन इससे ज़्यादा और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम कॉपी नहीं करना चाहते। देखें ज़रा दोबारा से, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़, ये यूज़र कंट्रोल है टेस्ट इन्फो, तो ऑब्वियस ही बात है कि यूज़र कंट्रोल में भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी जो हम कॉपी नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं आई टेस्ट इन्फो इंटरफेस से इनहेरिट करी हैं, हम सिर्फ इसको कॉपी करेंगे। तो इसलिए हम एक इंटरफेस हमने क्रिएट करा है जो दोनों में कॉमन है, दोनों चीज़ों में। और किस तरह इसके से कॉपी करेंगे, इसे हमने जो है एक पर्टिकुलर विंडोज है ये, इस तरह से विंडो है, तो इसमें हमने कंटेंट कंट्रोल, एक कंटेंट कंट्रोल है यहाँ, पर्टिकुलर्स नाम डाला, और इसके कोड बैक में जाते हैं और देखते हैं यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर डॉट कंटेंट है वो टेस्ट इन्फो का कंटेंट, यानी ये वाला जो यूज़र यूज़र कंट्रोल है ये हमने इसमें पास कर दिया। तो यहाँ पर जो ये जो खाली स्पेस है यहाँ पर ये यूज़र कंट्रोल आ जाएगा, और जब ये वैल्यूज चेंज होंगी तो आई प्रॉपर्टी नोटिफाई चेंज से हम ये चेंज मिल जाएगा इसको यहाँ कोड बैक में, और जब वो चेंज मिल जाएगा तो हम उसको ये सेव बटन क्लिक करते हैं, जब तो सेव बटन, ये बटन सेव क्लिक, तो इसमें देखते हैं हमने क्या लिखा हुआ है, बटन सेव क्लिक। बटन सेव क्लिक पर जाने पर जो हमने एक प्रॉपर्टीज़ को कॉपी कर लिया है, मतलब ये जो है हमारा ये देखिए, पहले हमारा ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। तो ये सोर्स टेस्ट इन्फो यूज़र कंट्रोल है ये वाला, और इन्फो क्लास में हम इसको सेव कर लेते हैं, और जो है कि एक जेनरिक इंटरफेस हमने यहाँ पर
जो कि कॉमन है दोनों में, वो डाल दिया है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन करी हुई है इस कॉपी प्रॉपर्टी मेथड को। इस तरह से हमने यहाँ पर डिफाइन करा है कि यहाँ सोर्स है, ऑब्जेक्ट है, और जो है कि हमने ये जो टी इंटरफेस है इसकी प्रॉपर्टीज को हमने फॉर ईच लूप में कॉल करा, और हर एक प्रॉपर्टी को हमने जो है सेव कर दिया। पहले हमने सोर्स से उसकी वैल्यू ली प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी डॉट गेट वैल्यू फ्रॉम द सोर्स, और जो है उसको डेस्टिनेशन में सेव कर दिया। तो गाइस ये इंटरफेस का हमारे पास बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल है कि हमें इंटरफेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमें इंटरफेस की रिक्वायरमेंट क्यों है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।